दे समय च किवें पंजाब सरकार वालों कांग्रेस पार्टी वालों और खास तौर पर कुछ वजीरां वालों जे उन्हां दे खिलाफ कोई खबर लगती है तो एक बड़ा ही इन्होंने सिंपल प्रोसीजर अडॉप्ट किया, क्योंकि थोनू सबनू पता है कि थानेदारे लवा रहे हैं, डीएसपी इन्हां दे आखे लग रहे हैं, जे तुसी खबर लाओ। पत्रकारी का काम है डेमोक्रेसी च, लोकतंत्र च चौथा पावा लोकतंत्र दा तुसी मन्ने जाने, और जिस दिन आज़ाद पत्रकारी नू इस संघी ढांचे नू जद कोई दबाउण दी कोशिश करूगा तो सुभाविक है उहदे फिर सिट्टे बड़े खतरनाक निकलणगे। और उही अटैम्प्ट जो इंदिरा गांधी ने जदों एमरजेंसी लाई सी, अज करोना दे समय च फिर पत्रकारी ते कांग्रेस पार्टी एमरजेंसी का काम कर रही है। तुहानू मैं घट्टो घट नहीं तां 15-20 पत्रकारां ते जिन्हां ते उह जिहड़ी धारा एक बेसिक 188 505 ते 67 ये धारावां ला के जिहड़ी ये खबर लावे कि जी राशन नहीं पहुँच रहा। देखो किसे जे राशन नहीं पहुँच रहा उहदी खबर लाउणी कोई पाप नहीं है। मैं समझदा सरकार अपने काम च तब्दीली लियावे। जे करोना वॉरियर दी तुसी गल कीती, जे पीपी किट्स दी गल कीती, जिन्हें भी सरकार दी कारगुजारी दे खिलाफ कोई खबर लाई उहदा ही जबान उहदा हर तरीके नाल उहनूं दबाया गया कि वह खबर लाउण जोगा ना रहे। और यही काम इंदिरा गांधी ने कीता सी और बड़ा वड्डा रोस पैदा होया सी। और मैनू अज बड़े दुखी हिरदे नाल मैं अज इत्थे आया जदों काम बर्दाश्त तो बाहर हो गया कि हर जिले च इह जे पत्रकार ने जिन्हां दे मैं समझदा तुसीं भी फेल हो गए तो मैं भी फेल हो गया कि असीं उहनां लई आवाज़ नहीं उठा सके, उहनां लई यूनिटी च खड़े नहीं हो सके। इसलिए मेरी सब तो पहला तो बेनती है कि अक्रॉस ऑल अदारे मैं सारे जर्नलिस्ट भरावां नूं इह बेनती करदा कि जेड़े भी जर्नलिस्ट नाल कित्थे बेइंसाफी होवे, जे तुसी किसे इंसान नाल बेइंसाफी हुंदी है तुसी तगड़े होके लड़दे हो, जे तुहाडे भाईचारे नाल कोई बेइंसाफी होवे ओह तुसी भी लड़ाई लड़ो। और असी भी श्रोमणी अकाली दल भी ओह लड़ाई लड़न लई अगे आया। और मैं अज तुहानूं दसदा कि इह केस की जिम्मेवारी हुण मैं आप चुकी है दो केसां दी जिन्हें पत्रकारां नूं हिला के रखता है। वेखो कल एक मर्डर का केस सामने आया सनप्रीत मांगट का, उस बंदे की गलती की है कि उन्हें जेड़ा माइनिंग माफिया जो कांग्रेस की शह से चल रहा जिदे नाल हजारा करोड़ रुपए का नुकसान पंजाब के खजाने हो रहा, पंजाब के खजाने चूना लाया जा रहा है, जे उन्हें उहदियां खबरां लाइया अज उहदे ते जानलेवा हमला धमकियां पहला कई मिलियां, मगर कल उन्हों पर दो दिन पहला उन्हों मार के उहदा कतल करता गया। और पहला ये शो किया गया कि दिस इज एक्सीडेंट। मैं धन्यवादी हाँ उन्होंने डॉक्टर साहबाना ने जिन्हां ने आ सच्चाई नू सामने रखिया। मैं हैरान हो गया कि उस पत्रकार वीर ते घट्टो घट नहीं तां उहदे जिन्ने वाइटल ऑर्गन सी मार मार चाकू आ उहदा हाल कीता, मार मार चाकूआं नाल उहदे ते पता नहीं किन्ने क वार मारे कि उहदे सारे वाइटल ऑर्गन उहदे डैमेज करते। कोई कह रहा 14 वारी चाकू मारे, कोई कह रहा शायद 30 वारी चाकू मारे, कृपाना नाल अखीर च उहनू उत्थे मारता। और पुलिस ने पुलिस कीड़ी जिहड़ी पुलिस इस कांग्रेस की सरकार थले उस पुलिस ने इनू एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की। देखो जब ये और वो एक याद करो यंग पत्रकार है, दिस इज एक यंग पत्रकार है और इस मांगड़ साहब का पत्रकार नवांशहर जिले नाल संबंधित है। जिस नवांशहर जिले की खबर इन्नी उजागर हुई सी सारी अखबारों च कि मुख्यमंत्री वॉज फोर्स्ड टू डू एरियल सर्वे
इलीगल माइनिंग दा ओदे बाद आके उन्हां नूं विधानसभा च भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस राही भी कहा कि हाँ इली मननी पई गल कि इलीगल माइनिंग हो रही सी ते ओदे च कार्रवाई लानी पई ए हालात सी। मगर अज ओ पत्रकार जिहदी लड़ाई किसे नाल परसनल नहीं सी, पंजाब दे खजाने दी लुट जिहड़ी कांग्रेस पार्टी नाल हो रही सी ओह जागर करदा होया अज अपनी मां दा पुत्तर अज सारे परिवार नूं विछोड़ा दे के चले गया। उस परिवार नूं अज इंसाफ दवाउण लई मैं समझदा थोड़ी साडी सब दी जिथे जिम्मेवारी बनती है उत्थे सरकार दी जवाबदेही बनती है और उत्थे हथ कांग्रेस दे MLA तो लैके सीनियर लीडरां दा उहदे च आ रहा, बड़ी छेती उहदे भी असीं खुलासे करांगे। दूजी गल, अज बड़ा अफसोस होया, एक खबर बड़े दिन दी सोशल मीडिया च चल रही सी कि एक पत्रकार ने एक खबर लाई जेड़ा बहुचर्चित सी, काला बकरा करके खबर सी कि नंगे पैर चलने के बाद बकरे दान करेंगे, हाथी की सवारी करने वाले मंत्री घर से निकलने के बाद गाड़ी तक चलते हैं नंगे पैर, प्रशासन की अनुमति के बिना पार्क में रास्ता बनाने पर गिरे थे विवादों में, राजनीतिक कद बनाए रखने के लिए जोशी की शरण में मंत्री जी। देखो पत्रकार ने एक बड़ी सिंपल खबर लाई जो ओदे ध्यान च आया, जो ने वेख्या, और मैं हैरान हो गया कि आ जेड़े मंत्री साहब ने चरणजीत चन्नी जी अज उस पत्रकार ते परचा हो गया है। हुण इस खबर च ना तो मंत्री का नाम लिखिया किथे जी, जद मंत्री नूं केड़ा पाड़ा सुज गया, तेरा तो नाम नहीं लिखिया, कुछ नहीं किया। अज ओदे ते 188 IPC जेड़े हर पत्रकारां ते लग गई है, जेड़ा कोई सच की गल करदा, इलीगल माइनिंग की गल करो, इलीगल शराब की गल करो, तुसी खजाने की लुट की गल करो, राशन की वंड की गल करो, जेड़े मजदूर जिन्हां नूं राशन नहीं मिलिया वो इत्थों छड्ड के चले गए, हर जिले चों लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, बठिंडा, संगरूर, नवांशहर, रोपड़, अज उस पत्रकार मेरे वीर ते जय सिंह होरां ते, जय सिंह छिब्बड़ जी ते अज परचा दर्ज करता 188 IPC 505 IPC ते 67। हुण है कि 188 डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब बेलेबल एक साल दी ओदी सजा है। दूजा 505 है IPC फॉल्स स्टेटमेंट सर्कुलेटेड विद इंटरनेट एंड क्रिएट एनिमिटी एंड हेटरेड नॉन अवेलेबल, 3 साल की सज़ा, 3 तो 5 साल की सज़ा। जे काले बकरे तुसी दान करना, ये नाल केड़ी दुश्मनी पैदा हो रही है? मैं वो तो समझ सकता है कि थोड़ी दुश्मनी चीफ सैकटरी नाल पैदा हुई है, होर की दे नाल हो जानी। मगर मैं चलो अगली गल ते आवां कि ये जेड़ा मंत्री साहब है इहदी गल्लां पहलां भी बहुत चर्चे च रही है, वो मंत्री है जी चे मी टू का आरोप लग गया सी, और उदों भी एक कांग्रेस पार्टी ने जाखड़ ने वह साडी सत्कारयोग भैन नूं पंजाब दी काबिल अफसर नूं IAS अफसर नूं इंसाफ नहीं दवाया, बल्कि इस मंत्री नाल खड़ के उत्ते भी दबाव बनाया, अज तक उन्हूं इंसाफ नहीं दवा चले, और उदों भी बड़ा रौला पिया। मगर सरकार दी ताकत वरत के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जाखड़ साहब कांग्रेस पार्टी अपना धक्का वरत के, जबर वरत के वो केस नूं किसे अंजाम तक नहीं पहुंचे दिता, और उहदा क्या की गया कि मैं तां जी मैसेज किसे दोस्त नूं भेज रहा सी, चला उहनूं गया तू इह जिहा माड़ा लिखिया की सी फिर उहदे च, और इनकुआइरी क्यों नहीं होई अज तक एज वी सिट राइट नाउ। ये मंत्री एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार आपकी ताकत की दुरवरतों करता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नूं कतल करन दी कोशिश करते हैं, और दुख की गल है कि इस मंत्री साहब ने कल्ले ने रोपड़ चमकौर साहब च 4-5 पत्रकारां ते परचे कराते, इन्होंने वह भी मैं लिस्ट थोनू दे दूंगा। फिर इन्होंने आ जिहड़े पत्रकारां ते इन्होंने परचे कराए हैं, सज्जन सिंह सैनी साहब ते कराया,
इकबाल सिंह ते कराया, मनजीत सिंह सैनी ते कराया, ते हुण आ जय सिंह छिप्पड़ साहब ते कराता। देखो फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब की है, थोड़े ध्यान च कोई गल आई और तुसी लाती, और मैं समझदा ये काले बकरे वाली गल एडी दिल नूं लाउण नूं की सी। दुनिया पुछनी चाहुंदी आ क्योंकि तुसी गाला बकरा चटकाउण नूं फिरदे सी कि थोड़ी वजीरी कैप्टन साहब झटकाउण नूं फिरदे, उस चक्कर से चीफ सैकटरी की लड़ाई च कि चक्कर से, मगर तुसी परचा देता वो बेचारे पत्रकार ते जिन्हें खबर लाई। फिर दूजी गल, ये उही मंत्री है जिन्हें इलीगल तरीके नाल चंडीगढ़ च धज्जियां उड़ाते हुए एक सड़क बनाई। क्यों? क्योंकि किसी ने सलाह देती कि भाई आ तेरा जिहड़ा उडारी का रस्ता ना, जिहड़ी चढ़ाई होनी है तेरी, ये अगे दवार आ जाती है, इसलिए तेरी चढ़ाई नहीं हो सकती है, राइट ढा दे। मतलब पब्लिक स्पेस, ग्रीन स्पेस नूं ढाण दा काम कीता। उदों एडे रौले पए आ पंजाब मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी बिल्ड इलीगल रोड एडवाइज बाय एस्ट्रोलॉजर, इहदा बहुत रौला पिया, आ इहदी सारी खबर लगी। और मुड़ के वह रस्ता गवर्नर साहब की इंटरवेंशन नाल वो वापस ग्रीन बेल्ट नूं बरकरार करना पिया, वह रस्ता जिहड़ा इन्होंने इलीगल तौर पर किया सी वह कटना पिया। फिर अगे वेखो इन्होंने की किया, ये मंत्री साहब ने हाथी की सवारी भी की थी। फिर क्योंकि किसी ने कहता कि जे तू हाथी की सवारी नहीं करेगा तो वजारत जाती रहो। ये हैरानगी की गल है कि तुसी जुम्मेवार बंदे हो, तुसी किहे जे काम कर रहे हो, और जे तुसी इस जादू टूने च ब्लैक मैजिक च काला जादू की नूं कह लें ब्लैक मैजिक कह लें तुसी करदे हो, जादू टूना करदे हो, तुसी करी जाओ, ये थोड़ी सोच है, असी उहदे खिलाफ हाँ, मगर तुसी वह जादू टूना आपदी कांग्रेस पार्टी तक सीमित रखो। तुसी कैप्टन अमरिंदर तक या सोनिया गांधी तक या जाखड़ तक सीमित रखो, पत्रकारों नूं क्यों लपेटे च रह रहे हो, उन्हां दे बेचारियां दी की गलती है। और यही मंत्री साहब ते ये भी आरोप लगे सन कि जदों पी एच डी करते सी, ये देखो पी एच डी करते सी इंडियन नैशनल कांग्रेस से, उहदे ते फेल हो गए। मतलब कांग्रेस पार्टी ते पी एच डी कर रहे सी, फेल हो गए, इन्हां लई कानून ही बदलता, पास मार्क की घटाता कि चलो कांग्रेस पार्टी तो कर रहा, किहड़ा कोई एड्डी वड्डी पी एच डी है, इहदे ते फेल हो गया तो फिर इहनूं पास किया। मतलब इह जे तां हाल है इहनां दे। फिर यही जिहड़ा है होर भी इहनां ते कदे आ किसी ने कहता, मैं सारा सैशन वेख्या उदों गर्मी काफ़ी हो गई सी, इन्हां ने आ शॉल ही नहीं लाई ऐतकी विधानसभा सैशन, इन्हां ने चिट्टी शॉल का लपेटा दिता सी, तो असी पुछ भी लिया सी हाउस के अंदर कि मंत्री जी आ केड़े तंत्र मंत्र दा ब्लैक मैजिक है, की चक्कर है, खोल दे नहीं तुही भी, वह शोले की फिल्म वांगू जिवें वह सी नहीं, वह हीरो जा केड़ा सी, वो संजीव कुमार, उन्हें भी शॉल का दे तेरी दी दित्ती हुई सी, आउंदा ही नहीं सी, कढ़दा ही नहीं सी, मैं वह जहाज सूं सिस्टम किया, मैं यार कोई गल सियानी करो, मगर चलो हैं ये पता नहीं क्यों बाह, असल च तो सीगियाँ, असल च तो सी फिल्म च नहीं। मंत्री साहब दे आ हरकत, एक ये अनेक यह जी हरकत लगी इन दिन, मैनू हैरानगी है जिहड़ा साडिया धीआं भैणां दे नाल मिसबिहेव करे, जिहड़ा हर तरीके का इहदे ते आरोप है करप्शन का, धीआं भैणां नाल बदसलूकी, आई एस अफसर नाल बदसलूकी, ते ओह जा बंदे नूं जिहड़ा ये खबर भी तुसी हैरानगी है, इहदे च खबर च लिखिआ कि नंगे पैरी चढ़ के इन्हां नूं किसे ने कहता कि तेरी वजारत लत जाणी है, वो मैं पढ़ दिंदा तुहानूं, उहनां नूं कहा गया कि सच वो भी याद होना तुहानूं, दो काबिल कैंडीडेट सी, उहनां दा टॉस करता, यार तुसी मैरिट ते कम दे दो, ये टॉस मंत्रियां दे कम थोड़ी है, मंत्री डोंट वर्क ऑन टॉस। फिर वेखो इन्हां नूं किसे ने कहता कि नंगे पैरी तू चल के जाना, खब्बा पैर अगे लखना, आ पत बेचारे ने तो जो दुनिया पुछदी है वो चीज़ा लिख दिया, तो उत्ते परचा देता आ 188 दा। अज मैं तां थोड़े कोल आया क्योंकि मैं जय सिंह छिप्पड़ साहब नाल गल की थी, और मेरे मन ते एडा इस गल का बोझ पिया कि उहदी 18 जां 19 साल की बेटी घर च सी, पुलिस ने रेड की उहदे घर च, जदों कुड़ी कल्ली घरे आ, बेटी कल्ली घरे, उहने नहीं दरवाजा खोलिया,
पुलिस ने एडा हंगामा किया उतरा इतना बिहेव किया जिवें पता नहीं किहड़े एंटी नैशनल एलीमेंट के घर रेड हो रहा है और मिसबिहेव किया माड़ा बोलिया गाला तक कहिंदे कढ़िया जब गवांढ़ी आ गए उदों पुलिस भज्जी और रेड कित्थे किया चंडीगढ़ च सैक्टर 39 च ये किहड़ा मुजरम है जी जय सिंह छिब्बड़ ने यही खबर लाती कली कि इन्होंने हाथी की सवारी की है या इन्होंने अपना अकाला बकरा रखिया तो इस गलते जे इस तरीके की कार्रवाइया होने लग गया फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस गई कितने मतलब कि प्रेस वाले सरकार के खिलाफ या सरकार के कुछ मंत्रियों के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकनगे कर नहीं सकनगे इसलिए मैं डिसाइड किया कि जय सिंह छिब्बड़ साहब न ते होर जिहड़े अजे पत्रकार साहबान ने और मांगड़ साहब का केस श्रोमणी अकाली दल लड़ूगा और उन्हां नूं इंसाफ दवाउण वास्ते सानू सुप्रीम कोर्ट तक जाना होवे असी सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लैके जावांगे जिन्हां ने मांगड़ साहब का कतल किया जां इह जे पत्रकार वीरां ते झूठे केस बनाए है उन्हां दा वकीलां दा खर्च करके हर तरीके की पैरवाई असी करांगे मगर फ्रीडम ऑफ प्रेस जिहड़ा चौथा थम्म है ऑफ लोकतंत्र दा डेमोक्रेसी दा अज उहनूं दिन दिहाड़े इस तरीके दे डाके बिल्कुल नहीं पैण देवांगे और मैनूं अफसोस है कि इस मौके ते करोना दी लड़ाई च जे कोई सच्चाई सामने लियांदा उस सच्चाई नूं समझ के अपनी गलती समझ के सुधारन दी जगह जिहड़ा सच सामने लग रहा शूट द मैसेंजर कि मार दिओ उहदे गोली अब मैसेंजर ही ना रहे कि लोगों नूं इह लगे कि बल्ले बल्ले सरकार ने तो फटे चकते इस तों वधिया काम सरकार कर नहीं सकती सी इह गल्लां लै के अज मैं थोड़े कोल आया सी ते नाल ही चलो इहदे च तां बहुत कुछ लिखिया कि छाती ते चंदन दा टीका लाउंदे पता नहीं की कुछ करदा उह भाऊ उहनूं कहा आप दी जिहड़ी इलीगल एक पुठे सिद्धे काम करदे ना चीफ सैकटरी नाल पंगा पिया हुण बकरा झटकाए ना थोड़ी चीफ सैकटरी तों जान बचनी है जां मुख्यमंत्री कोलों बचनी पुठे काम आप करते हो तो पंगा वो बकरे की जान में भी पाया तो लोग आ पत्रकार भी पाता बेचारे तुम दस दौ जी जिन्हें पांच जा तो फिर मैं किथे बाजवा साहब करके तो नहीं काला बकरा बनिया पिया वो फोटो किथे यार काले बकरे की दुकान है इन्हों वो काला बकरा किथे पता नहीं की दे नौ लिख के उन्होंने चटकाना इन्होंने देखो मैं एक गल दसा जी पहली गल तो बड़ी अफसोस की गल है कि कोरोना के समय च जदों गरीब नूं रोटी नहीं मिल रही इंडस्ट्री थोड़ी बंद है किसान थोड़ा उदियां बेचारे दी चीकां निकल चलियां ने सारा मजदूर जिन्हें पंजाब दी इकोनमी नूं सस्टेन करना जिन्हें झोने दी फसल जद लगनी सी एग्रीकल्चर इकोनमी दा बैकबोन है उन्हां नूं ये सांभ नहीं सके मजदूरां दे ये 6000 रुपया उन्हां दे अकाउंट च पा नहीं सके दिहाड़ी उन्हूं दे नहीं सके बिजली दे बिल अद्धे कर नहीं सके उस महामारी दे समय च संकट दे मौके च जदों साडे कोरोना वॉरियर्स नूं नॉर बेसिक फैसिलिटीज पीपीई किट दियां नहीं पहुँच सकियां उस समय च आपदे काम च ध्यान देण दी जगह इन्हां ने इलीगल माइनिंग इलीगल शराब दी विक्री हज़ारां करोड़ दा 5600 करोड़ दा शराब च चूना और कोई 2-2500 करोड़ दा इलीगल माइनिंग चूना लाने की बाद ये फिर लड़े है देखो लड़ाई का दी है उत्थे इन द कैबिनेट मीटिंग लड़ाई इस गल दी होई कि रेवेन्यू लॉस एक्साइज च क्यों हो रहा है चीफ सैकटरी ने एक गल कही एक सवाल तुसी अपने आप नूं पुछो कि जेड़ी पॉलिसी लागू होंदी है जे पॉलिसी चंडीगढ़ च बनती है वह लागू थले तदी हो सकती है जे थोड़े मंत्रियों का थोड़ी पार्टी का सहयोग मिले जे थले एक्साइज इंस्पैक्टर तो थानेदार सारे MLA वजीर लवा रहे ओह लोग इलीगल शराब की सेल 2 नंबर शराब की सेल नू नहीं रोकणगे तो चंडीगढ़ च बैठे किसी पॉलिसी का कोई फायदा नहीं इतों रौला पिया और गल बठिंडे की चली बठिंडे तो रौला वाधा वाधा ये दोवें वजीर आपस लड़ पे हुण लड़ाई का दी है ये नहीं कि
फलाने गरीब नू रोटी नहीं मिली जा उहदे अकाउंट च 6000 रुपया नहीं पहुंचे। लड़ाई इस गल दी होई कि किने शराब वध बकाई है, तू वध बकाई, फलाने ने वध बकाई, ढींगड़े ने वध बकाई, रौला तो पै गया 2000 करोड़ का। और दुख की गल ये है कि दो मंत्री, देखो मैं पिंडा च तो यह गल सुनदा, वो मंत्री की कह रहा जी मेरी जाति सूचक लफ्ज कहे यार, जे तेरे च फिर जे कहे है असी आप कहने तू दे परचा, फिर चल परचा दे चल के, परचा क्यों नहीं दिता फिर बाजवा साहब के खिलाफ। मतलब एवें लोगों नू भंबल भूसा पाउणा, पहली गल जात पात की गल दो वजीर करन ये वैसे ही नहीं चंगी। सानू गुरु साहब ने बड़ी वड्डे पद्धर ते इस मत बख्शी कि जात पात तो उत्ते उठ के चौ वर्णियां नू सांझे उपदेश दी, ते ये की गल दसदे फिर रहे। चलो वो इन्हां दा रौला, अफसोस की गल की इस समय च। उस तो बाद एक कह रहा मैं सच बोल रहा, दूजा कह रहा मैं झूठ बोल रहा। हुण मैं जी मैनू आपां तां मौके ते सी नहीं, मगर मैनू जे तुसीं बाजवा साहब दा सुभाव पुछो, जो मैं वेख्या जिन्ना, मैं तां उहनां नूं माड़ा बोलदे कदे विधान सभा च नहीं वेख्या, ऊ नहीं वेख्या। मगर जे माड़ा बोले आ किसी नूं जाति दे खिलाफ लफ्ज बोले, मैं उहदे खिलाफ हाँ, फिर परचा दर्ज कराउण चन्नी जी, उह भी नहीं कराउंदे। ते अगली गल मैं करदा, मगर चन्नी साहब का भी जे मैं पिछोकड़ वेखा मीटू तो लैके की कुछ काम इन्हां दे भी, कोई आदतां इन्हां दी भी कोई चंगियां नहीं। आ विचारे पत्रकार ते परचा करता, उन्हें की गलती की, उन्हें नौ तक नहीं लिखिया, मगर उते चमकौर साहब की पवित्र धरती से सच बोलन के पिछे इन्होंने आपदे ताकत वरत के एस एच ओ तो उते थाना चमकौर साहब से झूठा परचा कराता। आई एम अगेंस्ट दैट, तुसीं आपदी ताकत इस तरह नहीं वरत सकते। चीफ सेक्रेटरी रोज मीटिंग कर रहा, मेरा भी रखना अज दे काम चे डीरेल ना करो। देखो पत्रकारी भाईचारा थोड़ा बड़ा ए इंपॉर्टेंट है, एमरजेंसी टाइप सिचुएशन बन रही है रोज। आ थोड़े पहला अमृतसर भी पत्रा होया, चाहे कोई छोटा अखबार च हो, इंडिपेंडेंट चैनल च हो, तुसी खबर लिखी है यार। मुझे खबर असी ला रहे हैं, खबर लग गई है, इधर एक पर्चा हो गया किसी नु ओदा मर्डर कर देता गया। की हुण पत्रकार जे कोई भुखा ते उहनू आपां लागे खलाके इह कहना शुरू कर दईए कि रजिया बजी, इस तरह आपां कर दईए फिर पत्रकारी बंद कर दईए सरकारां। मैं तां आप इस गल दे खिलाफ हां जी। देखो एक छोटा मोटा कमेंट हो जाए ना, जां एक अद्धा केस हो जाए, मैं नहीं बोलना सी, मगर मांगड़ साहब दे कतल तो बाद ऐसे मैं समझदा असी सारे फेल हो गए हैं। जे असी सारे पहला एक्ट कर जांदे तुसी ते असी शायद अज मांगड़ साहब जिउंदे होंदे ते उहदे मापिआं नूं इस जां उहदे परिवार नूं इस औखी घड़ी चों निकलना ना पैंदा। अज कई जिलिआं च परचे दर्ज हो गए आ हुण इह बंदे ते। उह बेटी ते की बीती होगी, इह छिब्बर साहब दी बेटी ते 18-19 साल दी बेटी होवे। मैं तां अज बेनती करदा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, इह परचे खारिज करन, और जेड़े अफसरां ने जाके उत्थे बदतमीजी कीती उहदे घर च उह बेटी नाल, उहनां ते परचा दर्ज होवे फिर तां मैं मन्नूंगा। नहीं तां इह हाथी के दांत दिखाने को और चबाने को और नवदीप नूं करता ना इहनां ने लाइन हाजिर, जिन्हें MLA नूं जिहदे नाल कल्ली इही गलती तूं सति श्री अकाल नहीं बुलाई, किहड़ी सति श्री अकाल बुलाउणा चाहुंदे, जिहड़ा सोनू बाबा चाहुंदा सी। सोनू बाबे दी कहानी पता ना तुहानूं, उसे एरिए दा, उसे थाने दा, हरीके दा, कि उहदी सति श्री अकाल, उह सति श्री अकाल दी गल करदा सी। यंग अफसर नूं सिर्फ इस लई उहनूं टारगेट करता, और अज उहदी बदली हो गई। और वी आर ऑल, की फायदा आ DGP नूं इत्थे आए अमरजीत सिंह लाण दा, की फायदा होया फिर जे तुसीं इन्नी बेइंसाफी नवदीप नाल करोगे। और अज मैनूं एक गल दी तसल्ली होई है, अज कोर्टां च साडा विश्वास होर उठिआ, उह SHO सी उहदा नां खन्ने वाले दा, जिहनूं फेयर प्रोटैक्शन कांग्रेस दे MLA दे रहे आ, बलजिंदर सिंह। मैं आप DGP नूं चिट्ठी लिखी उहदे खिलाफ कि इहने गुरसिख दी ककारां दी बेअदबी कीती है, और नंगे करके सारा रिश्ता शर्मसार कीता, प्यो नूं पुत अगे, पुत नूं प्यो अगे, और एक SC भाईचारे नूं उस तरह जलील कीता। मैं कहा जे एक सधारण बंदा हुंदा उत्ते परचा बन जांदा सी, ते थानेदार मैं कहा कानवाई तो उत्ते, और फिर उस वीडियो नूं वायरल कीता। अफसोस नाल कहना पैंदा कमजोर DGP, उन्हें कोई परचा नहीं दर्ज किया, कानून बदल गया बलजिंदर सिंह वास्ते। और आज हाई कोर्ट ने
डीजीपी नू 2-8 ऑर्डर दिता है, जदों डीजीपी साहब नू 7वें महीने तक समा दिता है कि तुसी कहिंदे जज साहब एक गल लिखते हैं माई हैड हैंग्स इन शेम कि मेरा सिर आ वीडियो वेखण नाल शर्म नाल झुक गया और मैं डीजीपी नू डायरैक्ट करदा कि एसआईटी बना के आप डीजीपी की एक्शन लऊगा इस केस च मैनू सबमिट करे। मतलब ये हालात बन गए कि हाई कोर्ट के जज साहब नू शर्म आ गई और उन्होंने अज ऑर्डर किए हैं टू एक्ट अगेंस्ट दिस। अज का ऑर्डर है भी मैं थोनू सब नू वैसे तो मीडिया को चली गया मैं थोनू भेज भी देना और यही है वह SHO है जिहड़ा खन्ने च वह इलीगल शराब की फैक्ट्री भी चला रहा सी 200-300 करोड़ का जिथों घपला होया और कोरोना की महामारी भी उतों फैली। नहीं मैनू नहीं पता सीएम साहब दे अगे होया कि नहीं होया, मैनू पता लग्या कि सीएम साहब हले मीटिंग नू जॉइन कर रहे सी, मगर सुभाविक है सी अफसरां दे विच होया। और देखो एक अफसर जी ते जिने गल पॉइंट आउट कीती है कि स्मगलिंग हो रही है वह ब्यूरोक्रेसी दा हैड है, चीफ सैकटरी है, सीनियर मोस्ट ऑफिसर जिन्हें 36 साल पंजाब की सेवा की है, जीते पहला कोई आरोप नहीं। अज मैं उस MLA भी पुछदा जिन्होंने बड़ी आ ट्वीट की आरोप लाया कितने है, आरोप का लियाओ ना परचा दर्ज कराओ ये जे तुम सच्चे हो, अज किधर भज गए तुम सारे। इसलिए यह कला तो कला भंबल भूसा पाना सी कि लोगों का ध्यान 5600 करोड़ एक्साइज दे जिहड़ी लुट कांग्रेस पार्टी ने की उस तो हट जाए तो काम भंबल भूसे बाद कहने जी साडा गल मुक गई जी जाखड़ साहब ने मकाती कैप्टन साहब ने मकाती तो लुट जारी। पंजाब का भविख लिए तो भाऊ थोनू भी लड़ाई लड़नी पैनी है, तदे थोड़े कोल आए हैं, आ इंसाफ दवाओ वो बजुर्ग नू वेखो, मांगट साहब के बजुर्ग नू ओदी माता वल वेखो, बजुर्ग ओदे बच्चियां वल वेखो, ओदी कमर कस्से कर लो कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जू। उन्हें लड़ाई पंजाब दे लई लड़ी है, लुट खजाने दी सी और हुकमराना वालों सन, और आप पत्रकार वीर ने भी कोई गलती नहीं की। एक मैं कहना लाइटर मोड च भी जब मंत्री का नौ नहीं तो उत्ते परचा किवें, ये जे तो SSP के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि तेनू नहीं पता तू IPS अफसर है तू कानून कड़ा लागू कर रहे, मजाक है जी ते मर्जी 188 तो इन्होंने मजाक बनाता। हर थाने चे तुसी जाके एक रिपोर्ट कढ़ियो प्लीज़, पंजाब दे हर थाने चे मेरे हिसाब नाल घट्टो घट 500-188 ते 500 आ जिहड़ा है 506 ते आ जिहड़े 68 ए 505 188 दे परचे दर्ज हो गए हरेक थी, ओपोजिशन ते भी हो गए पत्रकार ते भी हो गए। जे किसी सरपंच ने या किसी साधारण बंदे जिने भी वीडियो अपलोड की उत्ते भी करता, ये हालात बने। अक्सर ही फैसले लिते जाते हैं कैप्टन साहब वालों, लोग जिदा विरोध भी करते हैं उस तो बाद वापस लै लिते जाते हैं, टीचर की ड्यूटी लाती थी शराब के फैक्ट्रिया उस तो बाद वापस लै लिता जाता फैसला जो विरोध होंगे, अक्सर इस तरह के फैसले जो ले जाते हैं कि सोचा समझा नहीं जाता वैसे फैसला ले लिया उस तो बाद वापस ले लिया लोगों ने खिलवाड़ किया जाए। यह फैसला एवं नहीं ले लिया मेरा वीर, फैक्ट्री पता की दी है, ये फैक्ट्री है चढ़िया की, जिहड़ा धार्मिक एडवाइजर टू कैप्टन अमरिंदर सिंह है परमजीत सरना ओदी है, धार्मिक एडवाइजर ने एडवाइस देती होनी कि मेरी बेटी दी देखियो उत्थे शराब दियां बोतलां अगे पिछे होंडियां ने तुसीं ध्यान रखियो। दुख दी गल है कि जिहड़ी उह कीड़ी अफगाना मिले तां वेखो किहदी आ, और रौले तो बाद उन्होंने वापस लिया। पहला इन्होंने यही किया कि गुरु घरां तों अनाउंसमेंट होवे कि होम डिलीवरी शराब की होगी, देखो होम डिलीवरी दुध की सुनी है, लोड़वंद वस्तुआं की हो जाती वह गल बेहतर होनी सी, रौला तो फिर यही गल है। और ऑर्डर यह जे किए जेडे पिछले आजादी तो लैके हुण तक अज तक किसी नहीं सुने कि गुरु घरां तों अनाउंसमेंट चाहिए सी, रौले तो बाद वापस वो होया, रौले तो बाद ये टीचर साहबाना तो होया, एक पासे गुरु दूजे पासे उन्हूं केड़े काम नूं लाता। छब्बी करोड़ रुपया रेता वाले छड़ दिता गया
सब तो अफसोस की गल है कि मैं अगे शुरू गल पहला भी की इस महामारी के समय च जो 13.5 लाख लेबरर माइग्रेंट लेबरर इतों चली गई होवे जाण दी तैयारी च होवे खुदकुशी कर रही होवे कि सानू रोटी नहीं मिल रही है राशन नू तरस रहे होण पंजाब दे लोड़वंद पंजाब दे लोड़वंद नू मेहनत कश नू दो वक्ती रोटी ना मिलती होवे दिहाड़ी ना मिलती होवे उन्हां वल ध्यान देण दी जगह जां इंडस्ट्री दी मजबूरी व्यापारी दी मजबूरी एक जिन्हें आपकी जॉब लॉस हो गया ओदी ध्यान देने की जगह सारा ध्यान इन्हों का 3 महीने च मैं कह सकदा जे सीगा ते कला शराब की ब्लैक मार्केटिंग ते सी और ओही काम दा रौला अज पया फिरदा ये अफसोस की गल है ये दुख की गल है और इसे कारण करके पंजाब कई चीजा च कोविड की लड़ाई च बहुत पछड़ गया हुण भी तुसीं वेखो मजाक की उड्डिया पहला श्रद्धालु आए और श्रद्धालु कहन असी फिट हाँ कहते नहीं तुसी अनफिट हो उन्होंने खज्जल खराब किया रज के फिर उन्होंने चक के कहता जी तुसी कोविड पॉजिटिव मैं कहना ना तो छड़ता सारा अमरीका तो यूरोप पिछे 1000 बंदा एक दिन ही डिस्चार्ज करता कि एकदम फिट हो गए यार तुसी कोई करोना का इलाज लभ लिया तो उत्थे ट्रंप नू भी फोन कर दियो फिर बलबीर सिद्धू नू भेज दियो उत्थे ये उधर भी इलाज करे आवे ट्रंप नू भी दस्या आवे ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ WHO 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਟਰੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਲੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1000 ਬੰਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂਟਲ ਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐਵੇਂ ਭੰਬਲ ਪੂਛੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕ ਰਹੀ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਲਿਖੀ ਨਾ ਭਾਉ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਤਿੱਖਾ ਹਿੰਮਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੌਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੌਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਢਿਓ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 70% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਡਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਉ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਉ ਢੀਂਗਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਉ ਜੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਿਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 70% ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ
भाई निर्मल सिंह दे परिवार ने भी अखीर च की कहा सी भाई निर्मल सिंह नूं गवा लिया अज भी असी 40 जीआं नूं गवा के ये फैसला लै रहे ते की इहदी इनकुआइरी नहीं होनी चाहीदी कि आपां ये इन्ना लेट ये कदम क्यों लिया और प्राइवेट हैल्थ केयर आले आफ्टरऑल ये सारे इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के जिम्मेवार मैंबर है वह चाहते भी सन मगर जब उन्होंने सिर्फ दबके वजे उन्होंने सिर्फ थ्रैट किया गया तो पिछे हट गए इसलिए चलो देर है दुरुस्त है मगर देर शुड बी इनक्वायरी 39 जड़ियाँ डैथ्स हुई ने वो किसी कमी पेशियां करके हुई कि वह जेनुअन डैथ सी मैं डॉक्टर साहबाना की गलती नहीं करता उन्होंने बेचारियों तो सहूलत ही नहीं दी मगर पॉलिसी डिसीजनस ठीक नहीं सी अज भी ये जिन्हें बैड ने ऑक्सीजन जिते वेंटिलेटर ने 250-300 तो प्राइवेट सैक्टर से उन्होंने मदद ले ही रहे एम्बूलेंस इन्हों को दो ने वेंटिलेटर वाली बाकी तो 100 प्राइवेट सैक्टर से जे तुम वेंटिलेटर उन्हों की मदद ले सकते सी एम्बूलेंस की ले लेंगे फिर डॉक्टर तो नर्सा की भी ले लेंगे फिर की प्रॉब्लम से किसी का पूछा ही नहीं जी मंत्री साहब भी पहला तो उन्होंने आपके घर स्टिकर ला छड़िया जिस दिन करोना की 22 तरीक नूं लॉकडाउन अनाउंस होंदा 23 नूं उन्होंने आपके घर ला दिता कि मैं नहीं बाहर जा सकता जबकि जरनैल का काम से लड़ाई लड़नी और बाहर उस दिन निकले जब अपने इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंसा च रौला पिया फिर वह चार जिलों गए नहीं तो जाते ही नहीं जिहड़ा जरनैल मैदान च ही ना जाए उन्हें की कर देना मगर चलो हूँ मैं समझदा उन्हें 1000 बंदे एक दिन हाँ जी जादूगर मंत्री है जादूगर तुसी तां इह खबर लाओ कि यह बकरा किनू चटकाउण लई है ये किहड़े कांग्रेसी नूं चटका रहा है तुसी सियाणे हो जिहड़ा उहदा खराब करदा उहनूं चटकाउंदा फिरदा होणा होर कादे चंगा जी थैंक यू।